लगी मेरी तेरे संग लगी मेरे शंकरा। जय श्री महाकाल। आदेश ये हैं शिवाशीष तिवारी जी, ये आए हुए थे प्रारब्ध साधना के लिए, तो इन्होंने यहाँ जो है मंदिर पे आके वो साधना संपन्न की, और उस साधना में लगभग 2 से 3 दिन लगते हैं, लेकिन इन्होंने थोड़ा ज्यादा जाप किया। हालांकि ये बैठने में इनको दिक्कत है थोड़ी सी, तो ये बैठे रहे और लगे रहे, तो वो जाप संपन्न किया और 2 दिन में ये साधना संपन्न हुई। तो तिवारी जी, ये जो आपके यहाँ आने के अनुभव रहे हैं, और पहले आप ये बताइएगा कि कितना समय हो गया है बुकिंग कराए हुए आपको जी, और आपको आने में कितनी समस्याएं हुई हैं जी, कैसे आप जद्दोजहद करके आप आए हैं, क्योंकि प्रारब्ध रोकता है हर चीजों को, क्योंकि और फिर बाद में चर्चा करते हैं हवन के बाद वाली पत्रियों पर और आपकी अनुभूतियों पर। तो तिवारी जी, आपकी बुकिंग कब की रही है? मेरा बुकिंग लगभग 1 साल पहले का था जी। सबसे पहले जब मैं आने का प्लान किया था, उस समय मैंने मतलब पैसा वगैरह भी इकट्ठा कर लिया, फाइनेंशियल भी पूरा चेक करके अब मैं आने के लिए तैयार था। तब मेरा एक्सीडेंट हो गया और लेफ्ट पैर में चोट आ गई एंकल में, वो फ्रैक्चर हो गया, तो करीब 40-45 दिन मतलब उसमें लेट हो गया। अब उसके बाद फिर मैंने लगभग 60-1 दिन के बाद फिर से मूड बनाया कि अब मैं चले चलता हूँ करके, अब सब ठीक है करके, फाइनेंशियल स्टेटस भी बैलेंस में आ गया। उसके बाद मैंने सोचा अब चलते हैं। जैसे ही मैंने सोचा कि अब चलते हैं, फिर से मेरा तबीयत खराब हो गया और मैं 5 दिन के लिए एडमिट हो गया अस्पताल में। तो फिर वहां पे फाइनेंशियली मेरे को लॉस हुआ जी, बिल्कुल। फिर फाइनेंशियल स्थिति बिगड़ गया, फिर 2-3 महीने तक ऐसे ही चलते रहा, और उसके बाद आना हो ही नहीं पाया। ऐसे करके आज मतलब 1 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं, वो आ ही नहीं पाया। वो भी उसके बाद मैंने योगेश्वर पद्धति आपके ग्रुप में जो मैं जुड़ा जी, तो वहां से मैंने भाग्यदेव देव की साधना की, और उसके बाद योगेश्वर महादेव की जो साधना है वो की जी। उसके बाद शायद मेरा आने का संयोग बना, उसमें भी इतनी समस्याएं आ रही थी कि गाड़ी में बैठते तक मैं खुद श्योर नहीं था कि मतलब मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा। व्यक्ति को नकारात्मक विचार आते हैं ऐसी स्थितियों में, और तो आपको क्या विचार आ रहे थे गाड़ी में बैठने के पहले? मेरे को विचार आया कि पैसे खाते में पड़े हैं, इसको यूज कर सकते हैं, कहीं भी घूमने जा सकते हैं, अभी भी मौका है, ट्रेन में मत चढ़ो करके एक विचार आया। उसके बाद जब मैं उस विचार को नकार देता हूँ, तो दूसरा फिर विचार आता है कि ट्रेन का एक्सीडेंट जो पलटा हुआ था, पहले 2-3 ट्रेनें जो पलटी हुई थी, तो वो मेरे याद आया कि 3 ट्रेनें एक्सीडेंट हो रही हैं करके। तो फिर मैंने और मजबूती से फिर निर्णय बनाया कि नहीं, अब जाना पड़ेगा। नकारात्मक विचार आ रहे, रोक रहे, मतलब कुछ हमारा पॉजिटिव होने वाला है। वो प्रारब्ध तरह तरह के जो है ऐसे सिस्टम करता है, वही है कि आपने कुछ राशि इकट्ठी करी कि चलो भाई चलते हैं। अब मतलब फीवर में किसके इतने पैसे लग जाते हैं, तो वो कुल मिला के सिस्टम खराब होता रहा। और फिर उसने ये किया, फिर प्रारब्ध ने आपको डराया भी जी, कि ये होगा वो होगा, हालांकि आप दृढ़ हो गए थे। चलिए आप करते हैं चर्चा प्रारब्ध परिवर्तन साधना पर। तो आपने जो साधना करी है और जैसी जैसी प्रक्रियाएं हुई हैं, उसमें रुद्राभिषेक था जी, और भी चीजें थी, और भी प्रक्रियाएं थी, तो वो जो आपने करी हैं, तो वो प्रक्रियाएं आपको कैसी लगी? सबसे पहले जो अभिषेक था वो तो आज तक मैंने अभी ऐसा रुद्राभिषेक कभी किया ही नहीं था, मतलब जैसा यहाँ रुद्राभिषेक हुआ है जी। तो मतलब जब से मैं कल आया, तो थोड़ा पहुंचने के बाद जाप तो किया मैंने, एक स्त्रोत्र था उसका जाप करना था, तो उसका जाप मैंने किया जितना आपने बताया था वो करके, जैसे ही मैं फ्री हुआ उसके बाद फिर अभिषेक हुआ, तो तब तक एग्जॉस्ट हो गया था उस दिन, और मतलब थकान हो गई थी, वो थकान। लेकिन रात को 1:30-2 बजे सोने के बाद भी अगले दिन 5:30 बजे से उठ के मैं 6:30 बजे या 6:15 बजे से जाप में बैठ गया था, तो एक एनर्जी के साथ सुबह अगले दिन से बैठा जी। और उसके बाद जो उत्साह आया उस दिन का जाप में, पूरा शाम को 6 बजे तक वो एनर्जी बनी रही, जबकि मेरे को स्लीप डिस्क का दिक्कत है, उसके बाद भी मैं बैठ नहीं सकता हूँ। उसके बाद भी वो एनर्जी मतलब शरीर में बने रहना, और वापस जाके उस आसन में बैठने का इच्छा होना भी बहुत बड़ा बात है कि एक बार पूजा से उठने के बाद इंसान वापस नहीं जाना चाहता, अगर उसे दिक्कत है तब जी। तो उसके बाद भी जाके मैंने जाप किया, जाप 6 बजे ही मतलब पूर्ण हो गया था जी। उसके बाद मन में ही इच्छा आया महादेव भी कर लूं जाप, तो उनका भी जाप हो गया। तो मतलब ऐसा हुआ कि मानो ईश्वर खुद जाप करा रहे हैं मेरे लिए, तो मेरा संभव नहीं है मेरे लिए तो इतना जाप कर पाना जितना मैं बैठा हूँ। ये चमत्कार है, यही एक मतलब भौतिक चमत्कार है जी जी। और साधना के जाप के दौरान आपको कुछ अनुभूतियां हुई थी? जब स्त्रोत्र का पाठ कर रहा था, तब मेरे को लग रहा था कोई झांक रहा है, यहाँ पर जो गेट है सामने वहां से कोई देख रहा है करके, तो बार बार लग रहा था देख रहा है करके। फिर मैंने उसको मतलब क्या है, मैं थोड़ा डरता हूँ अनुभूतियों से, मैं डरता हूँ, इसलिए मैं निवेदन करके ही बैठता हूँ हमेशा ईश्वर से कि मेरे को अनुभूतियां थोड़ा कम देना, तो वो अनुभूति हुई। फिर जब मंत्र का जाप कर रहा था अगले दिन जी, तो जाप करते समय तो
कोई जानवर है मतलब 1.5 फीट हाइट होगी उसकी और वो जा रहा है, वो मैंने मतलब खुली आंखों से देखा है, मतलब ये 3 से 4 बार उस जानवर को मैंने जाते खुली आंख से देखा, मतलब ऐसा लगता था वो जा रहा है, मतलब आंख बंद होने से एक बार बंद रहता है फिर खोल के हम लोग देखते हैं कोई आया क्या, तो एक संशय वाला रहता है, वो जानवर मेरे को जाते हुए वो मेरे को मतलब खुली आंखों से दिखा हुआ है। जी जी, चलिए फिर आपका ये जो है आज हवन संपन्न हुआ है, तो अभी तक जो जाप कर रहे थे तो जो आपको उल्लास था जी, जो प्रफुल्लता थी जी, उसमें क्या हुआ हवन करने के बाद? हवन करते तक तो शुरुआत का जो हवन करना था जो मंत्र मैंने पढ़ के किए हैं जी जी, उसमें तो मतलब फिर भी ठीक था स्थिति, जैसे ही मतलब आपने पढ़ते हुए मंत्र पढ़ के जो हवन करवाए तो वहां से मेरा मतलब मस्तिष्क शून्य हो गया, मानो मतलब कुछ समझ ख्याल ही नहीं आ रहा है कि अब स्वाहा करना है कि नहीं करना है, मतलब उसके लिए भी ध्यान को उधर लेके जाना पड़ रहा था, ध्यान मतलब चित्त ही मतलब उड़ गया था कि क्या करना है, फ्यूज हो जाता है जैसे बल्ब की लाइट बंद हो गई है, अब कोई चारा नहीं है, तो ऐसा टाइप का हो गया था मेरे साथ। अभी फिर भी थोड़ा ठीक लग रहा है लेकिन फिर भी कुछ खालीपन लगता है, खालीपन दुख मतलब उसको दुख नहीं कह सकते लेकिन जैसे कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है ऐसा अभी भी लग रहा है। ये आपका नहीं कई साधकों का अनुभव रहा है ये, क्योंकि प्रारब्ध बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है तो वो दुख का अनुभव, क्योंकि वो आपके साथ कई जन्मों से है जी, वो अभी तो तत्काल का तो है नहीं, बहुत पुरातन है वो आपके साथ है, अब उसको जो क्षति हुई है तो वो अनुभव करते हैं क्योंकि सारी चेतना की चीजें हैं, वो कई स्मृतियां हैं और प्रारब्ध एक तरीके से कई जन्मों का एक पिटारा है जी, पाप कर्मों का या सत्कर्मों का वो सब मिश्रण होता है, उसको ये नहीं कहेंगे कि सारा पाप कर्मों का पिटारा, नहीं, सत्कर्मों का पाप कर्मों का सबका, लेकिन फिर वो क्या है कि जैसे जो ज्यादा होता है वो उस अनुरूप फल देता है, तो वो जैसे घर्षण या परेशानी तो उसको आपने यहाँ तोड़ा जी, तोड़ने के बाद जो अनुभव चेतना करती है वो आप अनुभव करें निर्विचार, थोड़ा दुखित वाला एक दुखित मतलब ऐसे रहा, आप ही बताइए, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ करूं मत, मतलब जाऊं आराम से बैठ जाऊं और चुप रहूं, चुपचाप बैठे रहूं, बस ये लग रहा है अभी। हाँ ये बहुत साधकों को अनुभव हुए हैं तो ये होता है। तो आपकी जो साधना रही आपको कैसी रही है? साधना बहुत अच्छी रही है, पहला दिन जब मैं आया था तो मेरे को लगा था कि मेरे को खाने पीने का कुछ व्यवस्था हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं फैक्टली जो बता रहा हूँ मतलब कोई व्यवस्था हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उसके बाद पहला दिन ही मतलब वो लगा मान के चलिए, उसके बाद सब एकदम ऐसा नॉर्मल हो गया, अभी ऐसा लग रहा है कि 10-20 दिन भी रुक सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये आश्रम है वहाँ पंडित जी हैं, वो जो है भोजन रसोई संभालते हैं, वो सबको टाइम से अपना भोजन बना देते हैं, साधक को भोजन में तो नियंत्रण करना ही पड़ेगा, बस बस, और जाप करने से भूख भी उतना लगता नहीं है, बिल्कुल भूख भी थोड़ा कम लगता है जाप करने से, लगातार बैठे रहो तो भूख भी लगता नहीं है ज्यादा। तो आप इस साधना से संतुष्ट जी, जी जो आप सोच के आए थे उस अनुरूप अपेक्षा करती है वैसा ही रहा जैसा आपने विचार किया था जी, क्योंकि मैंने कल्पना तो नहीं की थी कि ऐसा होगा, क्योंकि कल्पना करने के लिए मतलब मुझे मौका ही नहीं दिया गया कि मैं वहां जाऊंगा तो कैसे साधना होगी, किनका जाप करने रहे हो कि जाना ही ना पड़े, मैं आखिरी तक यही था कि मैं नहीं जा पाऊंगा, लास्ट मोमेंट में हमारे सीएम का प्रोग्राम आ गया तो उसकी वजह से मतलब नहीं आना ही श्योर था, आना तो श्योर नहीं था लेकिन कैसे पकड़ के आए, ईश्वर का कृपा है, तो पहुंच गया गाड़ी पकड़ के और हो गया सब काम भी, उधर का जो ऑफिस के काम फंसे हुए थे सब हो गए, सब निपट गए, वो आपको नहीं बिना मौजूदगी के हो गए और कोई समस्या भी नहीं आई है जी। तो आप इस साधना से संतुष्ट हैं जी गुरु जी? चलिए, तो ये थे शिवाशीष तिवारी जी, तो इनके आपने अनुभव सुने हैं ये प्रारब्ध परिवर्तन, हालांकि अब प्रारब्ध परिवर्तन साधना को बंद कर दिया गया है लेकिन इनकी बुकिंग 1.5 साल पहले की थी, तो इनको लास्ट बार मैंने अभी कॉल की थी 9 तारीख को, नहीं 6 तारीख को, तो मैंने कहा शिवाशीष जी अगर आप आना चाहें तो आ जाइए, इसके बाद आपको मौका नहीं दिया जाएगा 9 तारीख के, तो वो दबाव के साथ मैंने जब बोला था शिवाशीष जी ने ना छुट्टी ली ना कुछ किया और सीधा बैग टांगा और दृढ़ प्रतिज्ञ होकर सीधा निकल पड़े और यहाँ आए और वो साधना करके अपना साधना संपन्न करी, अब वो लाभान्वित होंगे निश्चित रूप से, ये तो है ही कि जब आप परमात्मा की आराधना करते हैं जाप करते हैं तो कुछ ना कुछ या किसी भी प्रकार से लाभ तो आपको मिलता ही है जी। तो बस आज की चर्चा को विराम देते हैं, आदेश जय श्री महाकाल।